नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल शर्मा। कल से बहुत बड़ा सीरीज शुरू होने वाला है, क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा सीरीज कहें तो गलत नहीं होगा। एशेज की शुरुआत कल से होने वाली है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, लेकिन उससे पहले इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। और ऐसा नहीं कि ये नई बात है, इंग्लैंड लगातार अपनी प्लेइंग 11 की घोषणा एक दिन पहले ही करता हुआ आता है, और ये ठीक वैसा ही हुआ है। मैच से कुछ दिन पहले ही एक तरीके से अनाउंस कर दिया है इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11। कौन कौन से खिलाड़ी हैं सबसे पहले उस पर अगर बात कर ले, तो सबसे पहले प्लेइंग 11 बता दूं, उसके बाद चर्चा करेंगे किस तरीके से है। जैक क्रॉली, बेन डकेट बेहतरीन ओपनर, दोनों तेजी से खेलते हुए नजर आ रहे हैं, दोनों ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। ओली पॉप कह सकते हैं, यान बेल का परफेक्ट रिप्लेसमेंट मिल गया इंग्लैंड को ओली पॉप के रूप में। जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। विकेट कीपर जॉनी बेस्टो, आयरलैंड के खिलाफ उनको मौका ज्यादा नहीं मिला, लेकिन यहां मौके मिलते हुए नजर आएंगे उनको। मोइन अली देखिए रिटायरमेंट से वापसी करते हुए नजर आए हैं, और जैक लिच के बाहर होने के बाद ये प्रॉपर प्लेइंग 11 में शामिल हो गए हैं। मोइन अली के लिए देखते हैं कि ये एसेस कैसा जाता है। स्टुअर्ट ब्रॉड, ओली रॉबिन्सन और जेम्स एंडरसन, तीन तेज गेंदबाज, चौथे आपको बेन स्टोक्स नजर आएंगे। वहीं एक स्पिनर, इकलौते स्पिनर मोइन अली के रूप में वहां मौजूद है, वहीं जो रूट भी गेंदबाजी कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि प्रॉपर प्लेइंग 11 बेहतरीन नजर आ रही है। जहां पे अगर बल्लेबाजी की बात करें तो आठवें नंबर पे मोइन अली आते हैं, यानी इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बल्लेबाजी में कितनी गहराई है। और ये जो बैट्स बॉल लाए हैं वर्ल्ड क्रिकेट में बेन स्टोक्स और ब्रैडन मैकलम की जोड़ी, ये किस तरीके से यहां असरदार होती है, क्योंकि सीरीज से पहले स्टीवन स्मिथ ने एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने बोला था बेस्ट बॉल जरूर इंग्लैंड खेल रही है, लेकिन हमारे साथ किस तरीके से खेलती हुई नजर आएगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारे पास अच्छे बॉलर हैं, आपको याद होगा WTC भी जीत कर आ रहे हैं कल से, बेहतरीन मुकाबला। ग्लेन मैग्रा ने तो पहले ही एक तरीके से प्रेडिक्शन दे दिया है, 5-0 ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में बिल्कुल निष्पक्ष नजर आ रहे हैं, किसी भी तरीके का एक तरीके से रहम इंग्लैंड पर नहीं दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। वो तो अलग बात है, क्योंकि कल से पहला टेस्ट मुकाबला बर्मिंघम में खेला जाएगा, वहां से एशेज 2023 की शुरुआत हो जाएगी। 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला है जो कि आगे अलग अलग मैदान पर होंगे। आखिरी मुकाबला ओवल के ग्राउंड पर खेला जाएगा, जहां पे WTC का फाइनल भी खेला गया है। वहां पे विकेट कैसा है ये तो आपने देखा ही होगा WTC फाइनल में। लेकिन इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। आपको क्या लगता है कि क्या रिजल्ट होने वाला है कौन सी टीम के पक्ष में, और कितने से कौन सी टीम जीतने वाली है एशेज सीरीज 2023, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।